आज सुनिए कहानी निराला जी का निराला दान। महान भारतीय हिंदी कवियों में निराला जी का नाम गर्व से लिया जाता है। इनका जन्म पश्चिम बंगाल में सन 1896 में हुआ था। इनका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला था। ये मन से बहुत दयालु थे। तो आइए जानते हैं इनके जीवन की एक अद्भुत घटना की यह कहानी। एक बार की बात है, निराला जी को अपनी लिखी हुई किताब के बदले 1200 रुपए मिले तो वे बड़े खुश होकर बहुत ही ठाट से एक रिक्शे पर बैठकर घर को चल दिए। तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत तपती दोपहर की गर्मी में पेड़ की छाया में भीख मांग रही थी। उसकी दशा बहुत ही खराब थी, जिसे देखकर निराला जी ने तुरंत रिक्शा रुकवाया और उतरकर उस बूढ़ी औरत के पास पहुंच गए। निराला जी को पास आता देखकर बूढ़ी औरत अपने दोनों हाथ फैलाकर निराला जी से भीख मांगने लगी। निराला जी जब उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचे तो पूछा कि क्या आज आपको कुछ नहीं मिला? तो बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा, आज सुबह से ही कुछ नहीं मिला। निराला जी ने कहा कि आपने मुझे बेटा कहा तो आप मेरी माँ हुई, और ये कैसे हो सकता है कि निराला की माँ सड़क पर बैठकर भीख मांगे? ऐसी बात सुनकर उस बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। फिर निराला जी ने एक रुपए बूढ़ी औरत के हाथ पर रखकर पूछा, अब बताइए कितने दिन तक आप भीख नहीं मांगोगी? तो बूढ़ी औरत ने कहा कि 2-3 दिन तक। फिर निराला जी ने 10 रुपए दिया और पूछा कि अब कितने दिन तक नहीं मांगोगी भीख? तो बूढ़ी औरत ने कहा 20-25 दिन। फिर निराला जी ने पूछा, यदि 100 रुपए दूँ तो? बूढ़ी औरत बोली, 4-5 महीने नहीं मांगूंगी। धूप बहुत तेज होने के कारण निराला जी पसीने से भीग गए थे। निराला जी के हाथों में नोटों का बंडल देखकर बूढ़ी औरत ने अपने आंचल फैला दिए। निराला जी हर बार पूछते रहे और पैसे आंचल में डालते रहे। इस तरह एक माँ मांगती रही और बेटा देता गया। इस तरह निराला जी की जेब खाली हो गई। ये सब रिक्शे वाला हक्का बक्का होकर देखता रहा, और उधर बूढ़ी औरत इतने सारे रुपए पाकर बोली, अब कभी भी भीख नहीं मांगना पड़ेगा। और उसके ये शब्द सुनते ही निराला जी ने अपने सारे पैसे उस बूढ़ी औरत के आंचल में डाल दिए, और सारे पैसे देने के बाद निराला जी सीधे महान कवियत्री महादेवी वर्मा के घर पहुंच गए। और पहुँचते ही महादेवी वर्मा जी से निराला जी बोले, आप रिक्शे का किराया दे दीजिए। तो महादेवी वर्मा जी ने आश्चर्य से पूछा, जो 1200 रुपए मिले वो कहाँ गए? निराला जी ने कहा कि रुपए तो मिले थे, लेकिन वे रुपए माँ को दे दिए। रिक्शे वाला चुपचाप दोनों की बातें सुन रहा था, और फिर उससे चुप न रहा गया और सारी बात महादेवी वर्मा जी को बता दी। ये सब बातें सुनकर महादेवी वर्मा जी की आंखों में आंसू भर आया, और उन्होंने रिक्शे वाले को शुक्रिया अदा कर उसके पैसे देकर उसे विदा किया। तो दोस्तों, देखा आपने, जो इंसान महान होते हैं उनका दिल बहुत बड़ा और बहुत ही कोमल होता है। उनसे किसी का भी दुख नहीं देखा जाता, उनको तो सिर्फ दूसरों की खुशी में अपनी खुशी दिखती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा प्रोत्साहन कीजिए।